एशिया कप 2022 में भारत और पाकिस्तान की टीम रविवार को एक दूसरे के खिलाफ उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन इस मैच से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि एशिया कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान की टीम जब जब एक दूसरे के खिलाफ उतरी है तब तब कौन किस पर भारी रहा है। तो 1984 में इस प्रतियोगिता का पहला संस्करण खेला गया था जहां भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ था और भारतीय टीम गवास्कर के नेतृत्व में इस मैच में पाकिस्तान की टीम को 53 रनों से करारी शिकस्त दिया था। 1984 से लेकर 2018 तक भारत और पाकिस्तान के बीच इस प्रतियोगिता में कुल 14 मुकाबले खेले गए हैं जहां भारत को 8 मैच में जीत मिली है तो वहीं पाकिस्तान की टीम को सिर्फ 5 मैच में जीत नसीब हुई है। 2022 से पहले इस प्रतियोगिता का एकमात्र संस्करण 2016 में T20 फॉर्मेट में खेला गया था जहां भारत और पाकिस्तान के बीच एक मुकाबला खेला गया था। यहां भारतीय टीम महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में पाकिस्तान की टीम को 5 विकेट से हराने में सफल रही थी। 2018 के संस्करण में भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 2 मुकाबले खेले गए थे जहां भारतीय टीम ने पहले मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को 8 विकेट से वहीं दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को 9 विकेट से हराया था। 2014 के बाद भारत अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ इस टूर्नामेंट में अजेय है। पाकिस्तान की टीम भारत को आखिरी बार 2014 में 1 विकेट से हराने में सफल रहा था, उसके बाद इस प्रतियोगिता में पाकिस्तान की टीम भारत को हरा नहीं पाई है। 2022 में यह भारत और पाकिस्तान के बीच 15वां मुकाबला होगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एशिया कप के इतिहास में अभी तक एशिया की 2 दिग्गज टीमें भारत और पाकिस्तान फाइनल में एक बार भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं उतरी है। अगर भारतीय टीम इस बार फाइनल में पहुंचती है और पाकिस्तान की टीम इस बार फाइनल में पहुंचती है तो दोनों के बीच यह पहला फाइनल मुकाबला होगा। 2022 में भी भारत और पाकिस्तान के बीच कम से कम 2 मुकाबले होने तो तय हैं। भारत इस प्रतियोगिता का सबसे सफल टीम है। भारत के पास इस प्रतियोगिता के 7 ट्रॉफी हैं जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 ट्रॉफी है।